की भूमि के लिए योगी आदित्यनाथ जो है आज पैदल पद यात्रा किए, और ये पैदल पदयात्रा जो है मैं आपको बता दूं, गोरख पीठाधीश्वर एवं गोरखपुर के सदर संत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है रेलवे स्टेशन वहां प्रताप मूर्ति से जिलाधिकारी कार्यालय तक जो पैदल यात्रा की गई। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी, युवा वाहिनी, व्यापार मंडल तथा सभी सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों ने पैदल पद यात्रा में जो है भाग लिया था और एम्स की जमीन को लेकर मांग कर रहे थे। उनका कहना यह था कि प्रदेश सरकार जो है वो जमीन मुहैया नहीं करा रही, जिसकी वजह से एम अभी अभी आधार में लटका हुआ है, जबकि केंद्र सरकार जो है पैसे देने को तैयार है। जी अंकित, सीधे सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधा है पूरी देरी को लेकर के। जी आपने बिल्कुल सही कहा है, ये जो है सीधे जो है अखिलेश सरकार को जो है आड़े हाथों योगी ने लिया है और कहा है कि योगी की वजह से जो है ये एम्स में इलावाली हो रही है और राज्य सरकार का जो मनसा ही नहीं है कि यहाँ पे एम्स बने, इस वजह से जो है ये सारी देरी हो रही है। केंद्र सरकार जबकि पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन राज्य सरकार जो है अभी भी इस पे कुछ भी कहने से बच रही है। और मैं आपको बता दूं, एम्स के लिए जो यहाँ मांग हो रही है वो सबसे मेन वजह जो है यहाँ पे कि यहाँ इंसेफ्लाइटिस जो मस्तिष्क ज्वर है, इससे हजारों बच्चे जो है मर गए हैं और इस वजह से भी जो है एक जब भी इस तरह की जो है चीजें होती है तो उसमें आम जनता को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा जो है वो अपने आप में काफी ज्वलंत मुद्दा है, जिन चीजों को लेकर जो एम्स की मांग हो रही है। और प्रदेश सरकार पे जो है योगी ने एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि ये प्रदेश सरकार की मंशा ही नहीं है। जी अंकित, एक सीधा सा सवाल ये भी उठता है कि सरकार को हमेशा याद आती है जब चुनाव आने वाला होता है, 2017 विधानसभा चुनाव सामने खड़ा है, ऐसे में अब नेताओं को याद आ रही है हर चीज की। जी बिल्कुल आपने सही कहा, जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव करीब रहता है, तो फिर सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी ऐसे हो, वो हमेशा जो है सरकार को आड़े हाथों रहती है। ये देखिए कहीं ना कहीं जो है ये अपना एक चुनावी स्टेंट होता है कि सरकार, प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। प्रदेश सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो यहाँ पे एम्स गोरखपुर में एम्स बने, और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार, दोनों एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। लेकिन इस बीच में अगर देखा जाए तो आम जनता पीस रही है। जी बिल्कुल अंकित, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।